नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। देवभूमि उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम के गर्भगृह अब सोने की परत से अपनी चमक बिखरेगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह ही अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह की चारों दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। खम्भों, ज्वेलरी और छतरों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। शासन से अनुमति के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्य शुरू करवा दिया है, जिसके लिए महाराष्ट्र के एक दानीदाता ने 2 महीने पहले बीकेटीसी से कार्य के लिए आग्रह किया था। वहीं इसके लिए समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से बीते अगस्त में धर्मस्व और संस्कृति सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को पत्र लिखकर शासन से अनुमति मांगी थी। 2 दिन पहले ही शासन ने बीकेटीसी को इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगी चांदी की परतें निकाल दी गई हैं। अब स्वर्ण मंदित करने के लिए दीवारों पर ड्रिल की जा रही है। दरअसल 2017 में एक दानीदाता के सहयोग से बीकेटीसी ने गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की परत चढ़ाई हुई थी, जिसमें 2 क्विंटल और 30 किलोग्राम से अधिक चांदी से गर्भगृह की ज्वेलरी छत्र को भी चांदी से सजाया गया था। लगभग 3 वर्ष पहले केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर भी अलग से चांदी का दरवाजा लगाया गया था। वहीं अब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से चांदी की परतें निकाल दी गई हैं, जिसमें अभी ट्रायल के तौर पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है, जिससे पता लग सकेगा कि आकार ठीक है या नहीं। इन्हीं सब नाप के बाद आखिर में गर्भगृह की दीवारों, ज्वेलरी और खंभों में सोने की परत लगाई जाएगी। ये कार्य अक्टूबर तक पूरा होने की बात कही गई है। सोने की जो परतें लगाई जाएंगी वो लैमिनेट होंगी, जिनकी चमक कम नहीं होगी और इन्हें आसानी से पानी से भी धोया जा सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें स्वर्ण मंदिर किए जाने का तीर्थ पुरोहितों ने सख्त रूप से विरोध किया है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार और बीकेटीसी मान्यता को हसीये पर रख रही है। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह ड्रिल से छेद किए जा रहे हैं, जो कि धार्मिक रूप से अनुचित है। ऐसे में उन्होंने जल्द कार बंद नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि आपदा से प्रभावित केदारनाथ में बीते 8 वर्ष से पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है। परंपरा व मान्यताओं को दरकिनार करते हुए वहां कई कार्य किए जा रहे हैं, जो कि गलत हैं। जिसमें तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष द्विवेदी का कहना है कि केदारनाथ मंदिर पांडव कालीन है, जिसका पुनरुद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण के नाम पर परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। पहले गर्भगृह की दीवारों पर चांदी से मढ़ा गया और अब सोने की परत चढ़ाई जा रही है, और इन कार्यों के लिए मंदिर की दीवारों पर जगह जगह मशीन से छेद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आपदा के बाद से अभी तक केदारनाथ में रावल और मुख्य पुजारी के लिए आवास की व्यवस्था तक नहीं कर पाई है। ऐसे में आज भी हंस रेतस सहित 3 प्राचीन कुंडों का पता नहीं लगाया जा सका है। वहीं केदारपुरी में ईशानेश्वर मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर का भी निर्माण भी अभी तक नहीं किया गया है, जिनके बिना केदारनाथ की कल्पना नहीं की जा सकती है। मंदिर में मनमर्जी के कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।